हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग हेल होल। साल 1957 अमावस की अंधकार रात में सुनसान इलाके में एक चर्च में प्रीस्ट अपने हाथ में चाकू लिए ईश्वर से माफी मांग रहा होता है। दरअसल उसके सामने एक नवजात शिशु है जिसके कंधे पर एक निशान है। प्रीस्ट का मानना है कि ये हेल से आया है, ये कोई शैतान है, इसीलिए वो इस बच्चे को मारना चाहता है। पर इससे पहले कि वो बच्चे को मारता, वहाँ पर दो पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं जो प्रीस्ट को गोली मारकर उस बच्चे को बचा लेते हैं। 30 साल बीत जाते हैं। हमें मार्क नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो हाथ में नक्शा लिए एक सेंटोरियम में जा रहा है। जल्दी उस सेंटोरियम में पहुँच जाता है। यहाँ उन लोगों के ऊपर एक्सोर्सिज्म किया जाता है जिनके ऊपर शैतान का साया है। मार्क वहाँ पहुँच कर एक प्रीस्ट से मिलता है और कहता है, मेरा नाम फादर मार्क है, मैं यहाँ पर एक्सोर्सिज्म सीखने के लिए आया हूँ। इसके बाद मार्क को एक दूसरे प्रीस्ट के पास ले जाया जाता है जो सबसे पहले मार्क का बैग चेक करता और उसे बताता है कि हम यहाँ पर बहुत बड़े बड़े शैतानों को भगाने का काम करते हैं, इसीलिए हम नहीं चाहते कि बाहर से यहाँ पर कोई ऐसी चीज आए जिससे हमारे काम में बाधा आए। और अब वो मार्क को एक पवित्र माला देता है, लेकिन मार्क कहता है कि मेरे पास अपनी खुद की माला है। ये मार्क को उसके कमरे में ले जाते हैं जहाँ पर उसे बताया जाता है कि रात को कभी भी गलती से बाहर मत निकलना, ये यहाँ के रूल्स के खिलाफ है। इस जगह पर लाइट नहीं होती, इसीलिए यहाँ पर कैंडल्स चल रही होती हैं। वो आदमी मार्क को उसके कमरे में छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद मार्क अपनी शर्ट उतारता है और हमें उसके कंधे पर वही निशान दिखता है जो आज से 30 साल पहले उस छोटे से बच्चे के कंधे पर था जिसे प्रीस्ट मारने वाला था, लेकिन पुलिस वालों ने उसे बचा लिया। अब मार्क अपने बैग को खोलता है, उसके बैग में एक हिडन जर्रा होती है जहाँ पर एक गन, एक कैमरा और न्यूज़पेपर की एक कटिंग होती है जिसे मार्क सबकी नजरों से बचाकर यहाँ पर ले आया है। उस न्यूज़पेपर की कटिंग पर लिखा होता है कि यहाँ से बहुत सारी फीमेल्स गायब हो गई हैं, जिसका मतलब ये है कि मार्क यहाँ पर एक्सोर्सिज्म सीखने के लिए नहीं बल्कि किसी और काम से आया है। अब वो लंच करने के लिए जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं, सबको खाना परोसा होता है। इस खाने से बहुत बदबू आ रही होती है, हालांकि मार्क इसे नहीं खाना चाहता, लेकिन अगर उसने नहीं खाया तो सबको उस पर शक हो जाएगा। यहाँ का जो सबसे बड़ा प्रीस्ट प्रायर है उसका असिस्टेंट उसे घूर घूर कर देख रहा होता है। मार्क किसी तरह से उस खाने को खा लेता है, जिसके बाद वो अंदर टहलना शुरू कर देता है। यहाँ पर बहुत सारे कमरे हैं जिनमें अंधकार है, और तभी मार्क देखता है कि कमरे में एक औरत को जंजीरों से बांधा हुआ है। दरअसल यहाँ पर उन लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है जिनके ऊपर शैतान का साया है। अब रात को उसी औरत के ऊपर एक्सोर्सिज्म किया जाता है। मार्क को भी वहाँ पर बुलाया जाता है। प्रायर जो कि सबसे बड़ा प्रीस्ट है, वो मार्क से पूछता है कि बताओ बाइबल में एक्सोर्सिज्म का सबसे सही वक्त क्या है। मार्क कहता है कि 6 बजे, ये सही आंसर होता है। और अब ये कमरे में जाकर उसके ऊपर एक्सोर्सिज्म करना शुरू कर देते हैं। ये उसे रिकॉर्ड भी कर रहे होते हैं। मार्क पूछता है कि आप इसे रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं। वो बताते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमारी आंखें नहीं देख सकती और उन्हें रिकॉर्ड किया जा सकता है। साथ ही इस रिकॉर्डिंग को हम अपने बड़े चर्च भेजते हैं ताकि उन्हें पता चले कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और अब एक्सोर्सिज्म शुरू होता है। वो पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हैं जिससे वो लेडी जो कि बेड पर लेटी हुई होती है वो जोर जोर से हिलना शुरू कर देती है। हवाएं और तेज हो जाती है। वो लेडी उठकर बैठ जाती है और चिल्लाना शुरू कर देती है। और ठीक उसी वक्त प्रायर के हाथ में जो क्रॉस होता है वो जल उठता है। ये देखकर मार्क डर जाता है क्योंकि उसने आज से पहले ऐसा कभी कुछ नहीं देखा था। उसे अपने आसपास एनर्जी महसूस होती है। वो देखता है कि उसके सामने जो मिरर है वो अपने आप ही क्रैक हो रहा है। वो तय करता है कि सबसे पहले वो प्रायर के कमरे में जाकर इन्वेस्टिगेट करेगा। पर इससे पहले कि वो अंदर जाता, वहाँ पर एक आदमी आकर उसे रोकता है और कहता है कि जब तक खुद प्रायर तुम्हें अपने कमरे में ना बुलाए तुम वहाँ पर नहीं जा सकते। मार्क वहाँ से चला जाता है। एक बार फिर से वो खाने की टेबल पर जाता है जहाँ पर वही बदबूदार खाना होता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। एक आदमी उस खाने को नहीं खाना चाहता, और तभी उसके साथ बैठा हुआ प्रीस्ट उसके कान में कुछ कहता है जिसके बाद वो खाना खाना शुरू कर देता है। मार्क को भी मजबूरी में खाना खाना पड़ता है। पर अपने कमरे में आने के बाद वो वॉमिट करता है। वॉमिट करते करते उसका एक दांत भी निकल जाता है।
जब वो उस दांत को ध्यान से देखता है तो उसके अंदर से एक फ्लाई निकलती है। दरअसल वो हेलुसिनेट कर रहा होता है। रात को जब सब सो जाते हैं, मार्क तय करता है कि वो प्रायर के कमरे में जाएगा। वो चुपके से उसके कमरे में चला जाता है, जहाँ उसे एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है जिसके अंदर बहुत सारे वीडियो कैसेट्स होते हैं। ये उन सभी फीमेल्स की रिकॉर्डिंग है जिनके ऊपर अब तक एक्सोर्सिज्म किया गया है। आज जिस लेडी के ऊपर एक्सोर्सिज्म किया गया था उसका टेप भी यहीं पर होता है। वो उस वीडियो कैसेट को दोबारा देखता है और अब उसे शक हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से उसे चीजें उस वक्त दिख रही थी इसमें बहुत अलग होती है। इसीलिए वो उसी कमरे में जाता है जहाँ पर एक्सोर्सिज्म किया गया था। वो देखता है कि बेड के नीचे एक इंजेक्शन है। वो समझ जाता है कि उस लेडी को शायद कोई नशीली दवा दी गई थी। साथ ही वहाँ पर दो बर्तन होते हैं जिसके ऊपर खड़े होने के बाद बेड हिलना शुरू हो जाता है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि यहाँ पर एक्सोर्सिज्म के नाम पर कुछ और हो रहा है। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वो छुप जाता है। वहाँ पर उसे एक स्विच दिखता है जिसको दबाने के बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा फैन ऑन हो जाता है, यानी कि जो हवा चल रही थी वो इसी फैन की वजह से चल रही थी। लेकिन मार्क के दिमाग में अब भी सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्रॉस में अपने आप ही आग कैसे लगी। वो क्रॉस को ध्यान से देखता है जिसमें उसे एक बटन मिलता है, और जैसे वो उस बटन को दबाता है क्रॉस में आग लग जाती है, यानी कि ये एक तरह का बड़ा लाइटर है। अब उसे सब कुछ समझ में आ चुका है। अगले दिन वो सबके सामने इंग्लिश में प्रार्थना कर रहा होता है। ब्रायर उसे रोकता और कहता है कि तुम्हें लैटिन में प्रार्थना करनी होगी, लेकिन उसे लैटिन नहीं आती। यहाँ पर एक आदमी उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रायर उसे रोक देता है। ब्रायर को अब कहीं न कहीं उस पर शक है। एक बार फिर से वो खाने की टेबल पर जाता है, जहाँ पर वही बदबूदार खाना उसके सामने परोसा जाता है। ब्रायर के खाने में एक चिपचिपा मांस का टुकड़ा होता है। ब्रायर को मजबूरी में वो खाना पड़ता है, क्योंकि ब्रायर ने आज तय कर लिया है कि किसी भी कीमत पर वो यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि अगर किसी को उसकी असलियत के बारे में पता चल गया तो उसे हमेशा के लिए गायब कर दिया जाएगा। और ब्रायर अपने कमरे में आने के बाद न्यूज़पेपर की कटिंग को जला देता है और गन लेकर वहाँ से निकल जाता है। पर वो देखता है कि सारे के सारे दरवाजे लॉक्ड हैं। वो खिड़की से बाहर देखता है, जहाँ पर कुछ प्रीस्ट मिलकर किसी को दफना रहे होते हैं। वो समझ जाता है कि इन लोगों ने उस लेडी को मार दिया जिसके ऊपर एक्सोर्सिज्म किया गया था। वो उसके कमरे में जाता है जहाँ पर उसे खून दिखता है। तभी वो आदमी जो प्रेयर के वक्त उसकी मदद करना चाहता था, वो कहता है कि जल्दी से कन्फेशन रूम में आओ। मार्क कन्फेशन रूम में जाता है क्योंकि उसे पता है कि ये आदमी उसकी मदद करना चाहता है। वो आदमी कहता है कि मैं जानता हूँ यहाँ पर बहुत सारी चीजें गलत हो रही हैं। मैं भी यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन इन लोगों ने मुझे काल कोठरी में बंद कर दिया, जिसके बाद मैंने यहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसे एक्सेप्ट कर लिया। और तुम्हारी भलाई भी इसी में है कि तुम भी यहाँ पर हो रही चीजों को एक्सेप्ट कर लो, साथ यहाँ पर रहने की आदत डाल लो, क्योंकि तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। माँ कहता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, कुछ फीमेल्स यहाँ से गायब हो गई थी, उसी केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैं यहाँ पर आया था। पुलिस को चर्च के ऊपर बहुत वक्त से शक था, लेकिन जब तक हमारे पास सबूत ना हो हम चर्च के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते, इससे आम लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे, वो सब हमारे खिलाफ हो जाएंगे। वो आदमी बताता है कि यहाँ पर एक्सोर्सिज्म कट होम इसलिए होता है ताकि यहाँ से जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो बड़े चर्च भेजी जा सके और इन सब लोगों को फंडिंग यानी कि पैसा मिल सके। यहाँ माँ को अब सब कुछ समझ में आ जाता है कि यहाँ पर क्या और क्यों हो रहा है, और इन सब के पीछे है प्रायर। अब माँ को चला जाता है जहाँ पर उस फीमेल को दफनाया होता है। उस जगह को खोदता है, उस ताबूत को निकालता है जिसके अंदर बॉडी होनी चाहिए, पर जब वो ताबूत को खोलता है तो वो पूरी तरह से खाली होता है, जो देखकर माँ हैरान हो जाता है। और तभी पीछे से कोई आकर उसे बुरी तरह से मारता है। उसे एक बेड के साथ बांध दिया जाता है, जिसके बाद वहाँ पर प्रायर आता है। प्रायर कहता है कि हमने तो सोचा कि तुम यहाँ पर एक्सोर्सिज्म सीखोगे, लेकिन तुम तो हमारी कब्र खोदने की कोशिश कर रहे हो। उसके हाथ में खाने का एक प्याला होता है जिसके अंदर से मांस का टुकड़ा जबरदस्ती माँ को खिलाता है, लेकिन अभी तक उसे ये नहीं पता कि माँ एक पुलिस ऑफिसर है। वो माँ को जबरदस्ती इतना खाना खिलाता है कि वो बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों के बाद जब उसे होश आता है, उसके सामने चेयर पर वही आदमी सो रहा होता है जिसने पीछे से उसके ऊपर हमला किया था। माँ अपने दांतों से अपनी रस्सी को काटता है। आजाद होने के बाद वो उस आदमी के ऊपर हमला करता है
और अपने गन से उसे मार देता है और सीधा उस जगह जाता है जहाँ पर खाना बनता है। उसे पता चल जाता है कि जिन फीमेल्स को लाकर यहाँ पर ये एक्सोर्सिज्म करते हैं, उन्हें मारने के बाद ये उन्हें अपनी खुराक बना लेते हैं। और अब मार्क के पास वही आदमी आता है जिसने उसे कन्फेशन रूम में बुलाया था। वो कहता है कि मैं तुम्हें एक और सच्चाई बताना चाहता हूँ। वो मार्क को लाइब्रेरी में ले जाता है जहाँ पर वो उसे एक किताब दिखाता है जिस किताब में लिखा होता है कि इस धरती पर एक बच्चा जन्म लेगा जिसके कंधे पर चंद्र ग्रहण के दिन यानी कि अमावस की रात को अपने आप ही एक निशान बन जाएगा और उसी बच्चे के जरिए हमारी दुनिया में शैतान आएगा जो पूरी इंसानियत को खत्म कर देगा। और अब मार्क अगले पेज पर उस निशान को देखता है। उस निशान को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके कंधे पर उसी तरह का निशान होता है जो आज से 30 साल पहले अमावस की रात को उसके कंधे पर अपने आप ही बन गया था। वो आदमी मार्क को बताता है कि तुम यहाँ पर नहीं आए बल्कि तुम्हें पूरी प्लानिंग से प्रायर ने यहाँ पर बुलाया है, लेकिन अब तक उसने तुम्हें क्यों नहीं मारा मुझे समझ में नहीं आता। शायद वो इस दुनिया में शैतान को बुलाना चाहता है। वो खुद एक शैतान का पुजारी है और शैतान सिर्फ तुम्हारे थ्रू आ सकता है क्योंकि वो निशान तुम्हारे कंधे पर है। दरअसल इस आदमी को पता चल चुका होता है कि मार्क ही वो इंसान है जिसके जरिए शैतान हमारी दुनिया में आ सकता है। वो मार्क से कहता है कि इससे पहले वो तुम्हारे ऊपर वो सारे रिचुअल्स करे जिससे वो शैतान को हमारी दुनिया में बुला ले, तुम यहाँ से निकल जाओ, मुझे एक अंडरग्राउंड रास्ता पता है, मैं तुम्हें उस तरफ ले चलता हूँ। और अब वो उस रास्ते से मार्क को ले जाता है पर तभी वहाँ पर दो प्रीस्ट आ जाते हैं जो मार्क को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। दरअसल वो आदमी मार्क की मदद करने का ढोंग कर रहा होता है। दरअसल वो प्रायर का ये आदमी है और अब प्रायर को पकड़कर जमीन के नीचे एक बहुत ही गहरी सुरंग के अंदर ले जाया जाता है जहाँ पर मार्क को बांध दिया जाता है। यहाँ पर प्रायर उसे कहता है कि पिछले 800 सालों से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम एक कम्युनिटी है, ये गुफा पिछले 800 सालों से बनी है। आखिर जब तुम यहाँ पर आओ तो हम उस रिचुअल को करके शैतान को इस दुनिया में बुला लें। इस दुनिया में पाप चारों तरफ बढ़ चुका है और अब इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ शैतान का राज होगा जिसके हम पुजारी हैं। ये रिचुअल करना शुरू कर देते हैं। आग चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, अगर तुमने मुझे मारा तो मेरा डिपार्टमेंट तुम सबको मार देगा। लेकिन इन बातों का उन पर कोई असर नहीं होता। वो जमीन के अंदर नर के रास्ते को देखते हुए लगातार रिचुअल कर रहे होते हैं, कुछ न कुछ बोल रहे होते हैं। दरअसल ये जो गड्ढा है इसे नर का द्वार कहा जाता है और इनका मानना है कि शैतान यहीं से बाहर आएगा। कई घंटों तक ये रिचुअल करते रहते हैं। किताब में लिखी हर एक चीज को इन्होंने पूरा कर दिया होता है लेकिन अब तक शैतान बाहर नहीं आया। प्रायर को और उसके साथियों को कुछ समझ नहीं आता। प्रायर को लगता है कि शायद इन्होंने कुछ मिस कर दिया। उसके साथ ही कहते हैं कि पिछले 800 सालों से हमारी पुश्तें सिर्फ इसीलिए इस दिन का इंतजार कर रही थी ताकि हम शैतान को इस दुनिया में बुलाकर इस दुनिया पर राज करें, लेकिन ये सब बेकार निकला। दरअसल सबको ये लगता है कि प्रायर ने अच्छे से मंत्रों का उच्चारण नहीं किया। और इन सब के ऊपर हंसता और कहता है कि इस दुनिया में कोई शैतान नहीं आएगा बल्कि तुम ही इस दुनिया के सबसे बड़े शैतान हो। प्रायर को बहुत गुस्सा आता है, वो चाकू से उसके पेट पर हमला करता है और अपने लोगों से कहता है कि सब अपने कमरे में जाओ। जिस तरह से पहले हम यहाँ पर इस जगह को चलाते थे आगे भी उसी तरह से इस जगह को चलाते रहेंगे। मार्क को उसी हेल होल में यानी कि नर के कुएं में डालकर वहाँ से ऊपर आ जाते हैं जहाँ पर रात को प्रायर जब अपने कमरे में सो रहा होता है। वही प्रीस्ट जो शुरू में मार्क का साथी होने का ढोंग कर रहा था जिसने मार्क को धोखा दिया था, वो प्रायर को मार देता है और अगली सुबह ऐलान करता है कि प्रायर के मरने के बाद अब मैं यहाँ का हेड हूँ, मैं इस जगह को चलाऊंगा। सब उसकी बात मान जाते हैं। वहीं प्रायर की बॉडी से एक फ्लाई निकलती है जो सीधा हेल होल में जाती है जहाँ पर मार्क की बॉडी है। वो मार्क की बॉडी के ऊपर बैठती है और तभी मार्क जिंदा हो जाता। वो जोर से चिल्लाता है। वहीं बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर सब मिलकर यहाँ के हर एक सबूत को मिटाना चाहते हैं, इसीलिए हर एक चीज को जला देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मार्क के गायब होने के बाद पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जरूर आएगी। सारे सबूत जलाने के बाद ये प्रायर की बॉडी के आसपास प्रार्थना कर रहे होते हैं जहाँ पर इनका नया हेड भी है और तभी वो हेड अपने आप ही हवा में उड़ना शुरू कर देता है। उसके शरीर के अंदर से लाखों फ्लाइज निकलती हैं और अगले पल वो चलकर राख हो जाता है जिसके बाद नीचे हेल होल से शैतान निकलता है। दरअसल ये मार्क ही है
उसकी यही डेस्टिनी थी। वो एक शैतान के रूप में पैदा हुआ था और अब मरने के बाद शैतान उसके शरीर में अपने असली रूप में बाहर आ चुका है। शैतान को देख कर सबके सब अपना सर झुका लेते हैं, जिसके बाद जीसस की मूर्ति जो कि अपना सर उठाकर शैतान को देखती है, शैतान उनके सामने खड़ा होकर एक उसी तरह से हाथ फैला लेता है जिस तरह से उनके हाथ होते हैं, यानी कि अब वो उनकी जगह लेना चाहता है। यहाँ पर जितने भी प्रीस्ट होते हैं वो सब के सब उल्टे हो जाते हैं। ऐसा दिखाया जाता है जैसे पूरी की पूरी दुनिया उल्टी हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि अब शैतान का राज आ चुका है। और इसी के साथ ये फिल्म ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।